दोस्तों, आज मैं लेकर के आया हूँ श्रवण ज्ञान दर्पण के चार भूत तत्व कोश। उसमें पहले है भारतीय इतिहास एवं संस्कृति। नंद वंश का अंतिम सम्राट कौन था? यह है घनानंद। घनानंद यानी यूनानी राजदूत मेगास्थनीज को किस यूनानी शासक ने भारत भेजा? सेल्यूकस निकेटर ने। दिल्ली सल्तनत में किन किन वंशों ने शासन किया? यह दास वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश तथा लोधी वंश। खालसा का प्रारंभ किस सिख गुरु ने किया? गुरु गोविंद सिंह ने। किस पेशवा की मृत्यु के पश्चात पेशवा का पद वंशानुगत हो गया था? यह बालाजी विश्वनाथ की मृत्यु के पश्चात। कालिका पुराण किस धर्म से संबंधित है? यह शाक्त। हड़प्पा सभ्यता के किस पुरा स्थल को सिंध का बाग या मृतकों का टीला कहा गया है? यह मोहनजोदड़ो। मैकियावेली के प्रिंस की तुलना भारत के किस ग्रंथ से की जाती है? कौटिल्य के अर्थशास्त्र से। मैकियावेली के प्रिंस की तुलना भारत के किस ग्रंथ से की जाती है? तो कौटिल्य के अर्थशास्त्र से। अशोक के शासनकाल की अवधि कितनी थी? तो 273 से 232 ईस्वी पूर्व। पुष्टि मार्ग के दर्शन का प्रतिपादन किसने किया? तो वल्लभाचार्य ने। सम्राट कनिष्क ने शक संवत कब प्रारंभ किया? 78 ईस्वी पूर्व। जैन धर्म में कुल कितने तीर्थकर हुए? तो 24। ऑल इंडिया किसान सभा की स्थापना कब हुई तथा इसका प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ? तो इसका प्रथम अधिवेशन 1936 में लखनऊ में हुआ। महात्मा गांधी एवं सरदार पटेल के द्वारा खेरा आंदोलन का प्रारंभ करने का प्रमुख कारण क्या था? यह ब्रिटिश सरकार द्वारा मनमाने लगान निर्धारण तथा उससे माफ करने से इनकार करने के कारण। जालियांवाला बाग हत्याकांड के बाद पंजाब में फैली अशांति की जांच के लिए कांग्रेस द्वारा नियुक्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? थी मोतीलाल नेहरू। जालियांवाला बाग हत्याकांड के बाद पंजाब में फैली अशांति की जांच के लिए कांग्रेस द्वारा नियुक्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो यह मोतीलाल नेहरू। हार्डिंग बम कांड के नेता कौन थे? तो रास बिहारी बोस। जॉर्ज यूल प्रथम अंग्रेज थे जिन्हें कांग्रेस के अध्यक्ष होने का गौरव प्राप्त हुआ। यह किस अधिवेशन में कांग्रेस के अध्यक्ष थे? ये चौथे अधिवेशन इलाहाबाद 1888 में। 1857 की विद्रोह की असफलता के पश्चात मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को कहाँ एवं किसने गिरफ्तार किया था? तो हुमायूं की कब्र के पास लेफ्टिनेंट हडसन ने गिरफ्तार किया था। वह कौन पहला भारतीय था जिसे कम्युनिस्ट इंटरनेशनल के नेतृत्व के लिए चुना गया? तो एम एन राय को। आधुनिक भारत के संदर्भ में किसे भारत का प्रथम देशभक्त राजकुमार कहा गया है? ये नवाब सिराजुद्दौला। 1857 के विद्रोह की असफलता के पश्चात बहादुर शाह द्वितीय को क्या किया गया? तो इसे रंगून निर्वासित कर दिया गया। खेरा आंदोलन प्रारंभ करने का प्रमुख कारण क्या था? तो ब्रिटिश सरकार द्वारा मनमाना लगान निर्धारण तथा उसे माफ करने से मना करने के विरुद्ध विद्रोह। भारत सेवक समाज की स्थापना किस वर्ष हुई थी तथा इसके संस्थापक कौन थे? तो भारत सेवक समाज की स्थापना 1905 में गोपाल कृष्ण गोखले ने किया था। भारतीय राज्य व्यवस्था एवं संविधान। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत कोई सदस्य अयोग्य हो जाए तो उसे राज्यसभा की सदस्यता से वंचित रहना पड़ेगा? यह किस अनुच्छेद के अंतर्गत? तो अनुच्छेद 101। यदि कोई सदस्य बिना सूचना के कितने दिनों तक राज्यसभा से अनुपस्थित रहे तो उसका स्थान रिक्त समझा जाता है, तो 60 दिनों तक। भारत में लोकसभा किसका प्रतिनिधित्व करती है? तो यह जनता का। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में लोकसभा के गठन के संबंध में प्रावधान किया गया है? अनुच्छेद 81 में, 81 में। भारत के प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो
केसी नियोगी। कौन सा प्राधिकरण भारत की समेकित निधि में राज्यों को राजस्व सहायता अनुदान देने वाले सिद्धांतों की अनुशंसा करता है? तो वित्त आयोग। संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा अखिल भारतीय सेवाओं का प्रावधान किया गया है? अनुच्छेद 312। संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा लोक सेवाओं को संरक्षण प्रदान किया गया है? अनुच्छेद 311। अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन कौन करता है? तो राज्यसभा। मूल संविधान में लोकसभा सदस्यों की संख्या कितनी निर्धारित की गई थी? तो 525। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति द्वारा भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति की जाती है? अनुच्छेद 76 के द्वारा। भारत के अटॉर्नी जनरल महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? तो भारत का राष्ट्रपति। भारत सरकार को कानूनी विषयों पर परामर्श कौन देता है? तो भारत का महान्यायवादी। वह व्यक्ति कौन है जो संसद सदस्य नहीं होता है लेकिन जिसे संसद को संबोधित करने का अधिकार है? तो भारत का महान्यायवादी। कौन लोकसभा की कार्यवाहियों में भाग तो ले सकता है परंतु मतदान नहीं कर सकता है? भारत का अटॉर्नी जनरल यानी महान्यायवादी। भारत के कौन से प्राधिकरण को हटाने का अधिकार संसद को नहीं है? भारत के महान्यायवादी को। भारत का महान्यायवादी कब तक पद धारण करता है? राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद कुछ मामलों में सर्वोच्च न्यायालय के अपीलीय क्षेत्राधिकार से संबंधित है? अनुच्छेद 132। अनुच्छेद 132। सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान की आधारभूत संरचना की घोषणा किस मामले में की थी? केशवानंद भारती बाद में। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के पद सर्वाधिक लंबी अवधि तक कौन पदस्थ रहा? यह वाई वी चंद्रचूड़ जो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के पद पर सर्वाधिक लंबी अवधि तक रहे। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के पद पर सबसे कम समय तक कौन आसीन रहा? यह कमल नारायण सिंह। उच्चतम न्यायालय की सबसे पहली महिला न्यायाधीश कौन थी? तो फातिमा बीवी। कौन सा अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय को अभिलेख न्यायालय का स्थान प्रदान करता है? अनुच्छेद 129। नेक्स्ट है भारत एवं विश्व का भूगोल। चंद्रप्रभा राष्ट्रीय वन्य प्राणी अभयारण्य उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थित है? तो वाराणसी के निकट चंदौली में। वह स्थिति क्या कहलाती है जिस पर ग्लोब के सभी स्थानों पर रात और दिन की अवधि बराबर होती है? तो बिशु यानी इक्विनॉक्स। भारत में सबसे अधिक उपजाऊ मृदा कौन सी है? तो कांप या जलोढ़ यानी अल्यूवियल। भारत की किस नदी का जल ग्रहण क्षेत्र सबसे बड़ा है? तो गंगा का। जनसंख्या का सर्वाधिक संकेंद्रण किस महाद्वीप में है? तो एशिया महाद्वीप में। जयकवारी परियोजना किस नदी पर स्थित है? गोदावरी पर। दामोदर नदी किस नदी में गिरती है? तो हुगली नदी में। झारखंड की जादूगुड़ा खाने किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? यूरेनियम के लिए। एशिया की प्रसिद्ध ट्रांस साइबेरियन रेलवे का विस्तार कहाँ से कहाँ तक है? तो लेनिनग्राड से व्लादिवोस्टोक तक। वृक्षों से प्राप्त सेलुलोज से निर्मित कृत्रिम कपड़े को क्या कहते हैं? तो रेयन कहते हैं। नेक्स्ट है पर्यावरण एवं जैव विविधता। ऊर्जा स्रोतों में से कौन सा सर्वोत्तम पर्यावरण अनुकूल है? तो सौर सेल। चिनार वन्य जीव विहार अवस्थित है केरल में। समुद्री वातावरण में मुख्य प्राथमिक उत्पादक होते हैं फाइटोप्लैंकटन। भारत में सबसे अधिक जैव विविधता कहाँ है? तो पश्चिम घाट पर। पेड़ पौधों एवं जंतुओं की सर्वाधिक जैव विविधता विशेषता है तो उष्णकटिबंधीय आर्द्रवन की। रसायन कृत्रिम वर्षा में प्रयुक्त होता है सिल्वर आयोडाइड। राष्ट्रीय समुद्र पार्क स्थित है कच्छ में। राष्ट्रीय आपदा अनुवांशिकी संसाधन ब्यूरो स्थित है नई दिल्ली में। हाउस गैस की संकल्पना की थी जोसेफ फोरियर ने। हाउस गैस यानी ग्रीन गैस कहते हैं जोसेफ फोरियर ने। क्रीमल जलप्रपात कहाँ स्थित है?
तो ऑस्ट्रिया में। जलवायु परिवर्तन एवं आपदा। भारत के उत्तरी पश्चिमी भाग में शीतकालीन वृष्टि मुख्य रूप से किस कारण होती है? पश्चिमी विक्षोभ के कारण। देशी वनों या वन भूमि का अस्थायी विनाश जो कई कारणों से हो सकता है क्या कहलाता है? निर्वनीकरण। विषुवत रेखा से ध्रुव की ओर बहने वाली भूमंडलीय हवाओं का क्रम क्या है? व्यापारिक, पछुआ और ध्रुवीय पवन। यदि हम एक स्थान पर सायं 6 बजे ज्वारी आता है तो अगला ज्वार कब आएगा? अगले 6:26 AM में। भूमि तथा समुद्र के बीच दाब में मौसमी अंतर क्या उत्पन्न करता है? तो मानसून। जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच में आता है तो कौन सा ग्रहण लगता है? तो सूर्य ग्रहण। समुद्र तल पर भूकंप, ज्वालामुखी फटने और सबमेरीन स्लाइडों के कारण जल कॉलम के ऊर्ध्वाधर विस्थापन द्वारा उत्पन्न होने वाली तरंग को क्या कहा जाता है? तो सुनामी। कौन सा पृथ्वी पर एक स्थान सर्वाधिक गर्म है? तो अल अजीजा। सूर्यास्त के बाद भी सीमित उष्णता वायुमंडल द्वारा किससे प्राप्त की जाती है? तो पार्थिव विकिरण। ध्रुवीय क्षेत्रों में चलने वाली बर्फ की आंधी को क्या कहते हैं? तो ब्लिजर्ड।